डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12th आर्ट्स, विषय राजनीति विज्ञान। विषय राजनीति विज्ञान की विशेषताएं, जैसे कि हमने कल जो टॉपिक था आपातकालीन टॉपिक, आपातकालीन जो अनुच्छेद थे 352, 356 और 360, तो यही राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352 युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, आक्रमण की या आंतरिक कलह की स्थिति में यह आपातकाल लगता है। 356 जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब यह आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था या वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब यह आपातकाल लगाया जाता है। मगर भारत का सौभाग्य है कि अभी तक अनुच्छेद 360 भारत में नहीं लगा है। तो कल का टॉपिक यह आपातकालीन अनुबंध था, आज है अगली विशेषता एकल नागरिकता। एकल नागरिकता संपूर्ण भारतवर्ष की इकहरी नागरिकता है। यहाँ केंद्र और राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं है। धारा 370 समाप्त होने के बाद यह एकल नागरिकता पूरे भारतवर्ष में लग गई 2019 से, क्योंकि इससे पहले जो धारा 370 थी उसमें जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, इसलिए वहाँ का अलग संविधान था, अलग राष्ट्रध्वज था, अलग राष्ट्रगान था, इसलिए हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता थी। मगर अब पूरे भारतवर्ष की इकहरी नागरिकता है। अगला है विशेषता कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। हमारा जो भारतीय संविधान है लोक कल्याणकारी है, यह सर्वहित सबको भला करने वाला है, सबको साथ लेकर चलने वाला है और सब हमारे यहाँ समान है। किसी प्रकार का कोई जाति, धर्म, वंश, वर्ण, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। वसुदेव कुटुंब की भावना, पूरा विश्व एक परिवार है, जीवो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म के आधार पर हमारे भारतीय संविधान में ये बातें ली गई हैं। और गांधी जी का मूल मंत्र था मन से, वचन से, कर्म से किसी को किसी प्रकार का कोई आघात नहीं पहुँचे, और जैन और बौद्ध धर्म का यह मूल मंत्र भी माना जाता है। लास्ट विशेषता है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग, एसटी एससी, क्या आरक्षण का प्रावधान। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम है, पिछड़ा वर्ग, एसटी शेड्यूल ट्राइब, एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था है। एसटी एससी के आरक्षण, जो एसटी एससी को जो आरक्षण प्रदान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 330 और 332, अनुच्छेद 330 और 332 में इसका प्रावधान है।
और अनुच्छेद 335 में एसटी एससी के आरक्षण के लिए, अनुच्छेद 335 में एसटी एससी के आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारण नहीं की गई है। और इसी प्रकार 1993 सितंबर से 1993 सितंबर से ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण दिया गया है। ओबीसी देखिए इसका पूरा नाम, अदर परीक्षा में आता है बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन, ओबीसी का पूरा नाम लिखिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेज, अन्य पिछड़ा वर्ग, यह ओबीसी की फुल फॉर्म है। और सितंबर 1993 से इसे आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अब लास्ट आता है इसका चैप्टर का, जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इसकी लास्ट चीज है, वह है प्रस्तावना। प्रस्तावना में पूर्णतः इसको संशोधित नहीं किया जा सकता, अगर इसको पूर्णतः बदलना तो समझ लीजिए संविधान का विनाश करना है। डॉक्टर के एम मुंशी ने इसे संविधान की एक राजनीतिक कुंडली भी बताया है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा के नाम से संज्ञा प्रदान की है। ये प्रस्तावना में देखिए, जो हर पुस्तक के राजस्थान पाठ्य पुस्तक के पीछे की साइड हर पुस्तक पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है, और उसके फ्रंट पेज में एक मूल कर्तव्य है, प्रस्तावना है, वो क्या है कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत में निवास करने वाले सभी लोग, पूरे भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ईश्वर के समान, समाजवादी, सब समान, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई विशेष वर्ग वाला न हो कोई वर्गहीन न हो, पंथ निरपेक्ष, राज्य या राष्ट्र का अपना कोई धर्म न हो, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा भारत लोकतंत्रात्मक देश है, भारत का संविधान भी विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, गणराज्य, भारत का राष्ट्रपति यहाँ वंशानुगत नहीं है, हमारे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एकल मत संकर्णीय मत पद्धति से इसका चुनाव करते हैं, मनाने के लिए उसके सशक्त नागरिकों को, जो भी भारत के नागरिक निवास करते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, अपने विचार प्रकट करना, विश्वास, धर्म और उपासना यानी पूजा स्थल, सब कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म की पूजा आराधना कर सकता है, की स्वतंत्रता है, उनकी आज़ादी है, प्रतिष्ठा और अवसर, सबको अपनी योग्यता के अनुसार अवसर देना, समानता, जाति वंश वर्ण लिंग के आधार पर किसी प्रकार का अंतर नहीं करना, प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की जो गरिमा है, हमारे राष्ट्र की एकता है और अखंडता है, वह सुनिश्चित करने वाली या बंधुता बढ़ाने के लिए आज हम सब भारतीय एक दृढ़ संकल्प लेते हैं। और वो क्या, और इस संविधान सभा में जो कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्मित हुआ था। इसकी अंतिम तिथि मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 विषम के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित अपने हाथों से और अपनी आत्मा से हम इसको स्वीकार करते हैं। ये भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है। और आज जो कि पहला चैप्टर है बच्चों,
ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो रहा है और कल मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और आज के लिए इतना ही, कल निश्चित समय पर आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।